हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशीष, और आप देख रहे हैं टेक इंडिया यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक यूट्यूब चैनल है, आप उसके ऊपर वर्क करते हैं, या आप एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके पास बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपका बैकग्राउंड की वजह से आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, आपके वीडियो के ऊपर व्यूज नहीं आएंगे, फ्रेंड्स ये आप बहुत ही गलत सोचते हैं। फ्रेंड्स, यूट्यूब पे वीडियोज बनाने के लिए जस्ट बस आपको अपनी मेहनत दिखानी पड़ती है। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप बैकग्राउंड की वजह से आप अपने वीडियोज के ऊपर व्यूज नहीं ला पा रहे, तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि मैं ग्रीन स्क्रीन यूज करता हूँ। आप नॉर्मली ग्रीन स्क्रीन को यूज करके आप अपना बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, वीडियोस, फोटोज, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के ऊपर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आप नॉर्मल फिल्मोरा सॉफ्टवेयर यूज करके अपने बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। आपको पूरा उसको प्रोसेस बताऊंगा कि मैं अपनी वीडियोस को कैसे एडिट करता हूं फिल्मोरा के ऊपर, और कैसे अपना बैकग्राउंड चेंज करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक नॉर्मल ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ है, मैंने ग्रीन कपड़ा लगा कर रखा हुआ है, बस मैं ग्रीन नॉर्मल ग्रीन कपड़ा यूज करता हूँ अपने बैकग्राउंड को हटाने के लिए ग्रीन स्क्रीन के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हो तो आप भी एक नॉर्मल कपड़ा यूज कर सकते हैं, या फिर आपको पास अगर कपड़ा नहीं है तो आप नॉर्मल ग्रीन पेपर यूज कर सकते हैं। ग्रीन पेपर आपको स्टेशनरी की बुक शॉप पे मिल जाएगा, स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा, तो आप वहां से नॉर्मली जाके खरीद के ला सकते हैं, एक शीट खरीद के ला सकते हैं और वॉल के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लंबा ना करते हुए चलता हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, वहां से आपको बताता हूँ कि मैं अपने वीडियोस को कैसे एडिट करता हूँ, ग्रीन स्क्रीन को कैसे यूज करता हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, और लैपटॉप स्क्रीन पे मैंने अपना फिल्मोरा 9 का सॉफ्टवेयर से ओपन कर लिया है। तो ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर, और ये रही हमारी वीडियोस। तो ये हमारी वीडियो जिसे मैंने शूट किया है, और इसे अगर मैं आपको प्ले करके दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा ग्रीन स्क्रीन के ऊपर मैंने इसे बनाया है। इसके ऊपर अभी तक मैंने इफेक्ट नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, कोई बैकग्राउंड इसे चेंज नहीं किया है मैंने। तो ये देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड स्क्रीन है, कितना भी बेकार लग रहा है। तो इसे हम चलते हैं, इसे करते हैं हम सही, और आपको बिल्कुल लाइव करके दिखाऊंगा कि इसे हम कैसे चेंज करेंगे और यहाँ पे इसे हम कैसे एडिट कर सकते हैं। तो इसे मैं करता हूँ, पहले इंपोर्ट करता हूँ अपने फिल्मोरा सॉफ्टवेयर में। सॉरी, पहले यहाँ से प्रोजेक्ट बना ले। ये हमारा आ गया प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के अंदर मैं करता हूँ इसे फाइल को हम यहाँ पे इम्पोर्ट। तो फ्रेंड्स, ये हमने फाइल इम्पोर्ट अपनी, और फाइल इम्पोर्ट करके आपको दिखाता हूँ कि आप अपने ग्रीन स्क्रीन को कैसे यूज़ करेंगे। तो नॉर्मली इसे करना है आपको यस, और यहाँ करता हूँ मैं अपनी, ये रही हमारी वीडियो, इसे करता हूँ नॉर्मली 125 FPS पे, और 125 FPS पे आने के बाद इसे मैं कर थोड़ी सी वीडियो क्लिप में डिलीट कर देता हूँ। एक्चुअली ये रही 40, यहाँ से अपनी वीडियो क्लिप को हम इतना सा डिलीट कर देता हूँ मैं, आपको अच्छा नहीं लगा देख के। हाँ, ये रही हमारी वीडियो क्लिप, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ पर प्ले हो चुकी है, और देख सकते हैं हमारा ग्रीन बैकग्राउंड स्क्रीन आप देख सकते हैं खराब है, यहाँ साइड में भी, यहाँ पर भी वाइट आपको शो करेगा, ग्रीन स्क्रीन की साइड आपको बिल्कुल सही नहीं लग रहा। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको अगर लगता है कि यहाँ पर साइड में कुछ आया है, तो अब यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करिए, और लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पर आपको आएगा जूम एंड क्रॉप का ऑप्शन। जूम एंड क्रॉप के बाद यहाँ आपको आना है नीचे कस्टमाइज पे, और कस्टमाइज पे आने के बाद आप इसे कर सकते हैं यहाँ पर आगे आगे तक। तो ये आया मैंने किया इसे आगे तक, और अब ये देखिए मेरा हो चुका है ये बैकग्राउंड आधा, जो वाइट स्क्रीन जो बेकार स्क्रीन थी उसे मैंने हटा दिया है, वो हमारी हट चुकी है यहाँ पे, अब सिर्फ यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन हमारा शो हो रहा है। तो ग्रीन स्क्रीन में नॉर्मली मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, मेरा जो ये लाल इमेज है, जो ये इमेज है मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी वीडियोज़ में अगर आपने देखा होगा तो यही इमेज यूज़ हुआ है, और मैं इसे ही यूज़ करके दिखाऊँगा। तो यहाँ से एक और सेक्शन बनाता हूँ वीडियो का, वीडियो ट्रैक, इस वीडियो को उठा के मैंने किया ऊपर, और ये किया मैंने इस वीडियो ट्रैक यहाँ इसको नीचे, और इसे करता हूँ फुल स्क्रीन पे, पूरी वीडियो पे मैं इसे इंपोर्ट कर देता हूँ। ये रहा हमारा पूरी वीडियो पे मैंने इसे डाल दिया, और ये यहाँ चलता हूँ मैं, और ये आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी वीडियो, ये रही हमारी वीडियो, अभी बैकग्राउंड हमारा यहाँ पर है, और बैकग्राउंड यहाँ पर होने के बाद ये करता हूँ मैं यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ग्रीन स्क्रीन का, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन ग्रीन स्क्रीन का। तो यहाँ आपको इसको ऊपर करना है, ये हमारा आया ग्रीन स्क्रीन। देखिए जैसे हमने ग्रीन स्क्रीन किया, वैसे आप देख सकते हैं कि मेरा ये साइड का थोड़ा थोड़ा सा वाइट शो हो रहा है यार पीछे हमारा, तो मोस्ट ऑफ द जो ग्रीन था वो हट चुका है यहाँ से। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन खुल जाता है, यहाँ अगर आपको नहीं आता तो यहाँ से आप क्रोमा की का ऑप्शन है, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा,
और क्रोमा की सिलेक्ट करते ही देखिए आपको यहाँ सड़ गया, और आप यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को प्ले करके हम करते हैं, प्ले करके हमें प्रॉपर ही पता लग जाएगा कि हमारी वीडियो में कितना हमें इफेक्ट यूज़ करना है। तो देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड का स्क्रीन था वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, बिल्कुल ही मैंने इसे चेंज कर दिया, और ये हमारा बिल्कुल ये देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया है। देखिए यहाँ पे हमारा चेंज हो गया, और चेंज करने के बाद फ्रेंड्स आप इस पर थोड़ी बहुत लाइटिंग कर सकते हैं, बॉर्डरिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहीं पे आता हूँ, ग्रीन स्क्रीन पे आया, उसके बाद आप यहाँ से थोड़ी बहुत यहाँ पे इसके साइड से हमारा जो जा रहा है, अब यहाँ से इसे लाइट दे सकते हैं, यहाँ से आप इस थोड़ा बहुत आगे बढ़ा के कम ज़्यादा, जैसे आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में जैसे वाइट वाइट सा आ रहा है, तो अब यहाँ से थोड़ा बहुत बॉर्डर दे सकते हैं अपने बैकग्राउंड में। यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर दे दीजिएगा, आपको बॉर्डर से अच्छा लगेगा। यहाँ पे अब यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आप थोड़ा बहुत इसे हाईलाइट और भी ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड का इमेज है, आपके जो बैकग्राउंड शेडो दिखे, तो शेडो भी प्रॉपर दिखनी चाहिए, तो यहाँ से आप ऑटो इन्हेंस पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर ये आपका ड्रॉप शेडो है, तो ड्रॉप शेडो को आप इसको मैं करता हूँ हमेशा 0, और इसे ब्लर को मारता हूँ 100। जैसे ब्लर मेरा बैकग्राउंड मेरे को ऐसे ही लगता है, और यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ, तो ये देख सकते हैं मेरा ग्रीन स्क्रीन गायब हो गया, मेरे यहाँ पे ये आ रहा है। तो आप यहाँ से इसे रेंडरिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप इसे रेंडर कर दीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपरली पता लग सके कि यहाँ आपकी वीडियो प्रॉपरली रेंडर हो चुकी है, और यहाँ पे आपका जो आपका प्लेबैक जा रहा है वो प्रॉपर है। फ्रेंड्स एक नई वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल दूंगा फिल्मोरा के सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो फ्रेंड्स आप तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और गर्मी का टाइम है, पंखा वगैरह सब कुछ यहाँ बंद पड़ा है, तो हालत ख़राब हो जाती है। तो गाइस आपने देखा कि अभी कि मैंने अपना बैकग्राउंड इमेज कैसे चेंज किया, लाइक मैंने आपको करके दिखाया फिल्मोरा के अंदर कि आप नॉर्मली अपना बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइस इस मेथड को यूज करके आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, और फ्रेंड्स आपके पास लैपटॉप में नहीं है, आपके पास फिल्मोरा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप नॉर्मली काइन मास्टर यूज करके उसके अंदर भी अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, नॉर्मली क्रोमा को यूज करके। फ्रेंड्स बहुत इजी है, अपने बैकग्राउंड को चेंज करिए, बैकग्राउंड के ऊपर इमेज लगाइए, जो नॉर्मल कपड़ा लगाइए, या फिर एक पेपर लगा के आप अपना बहुत ही आसानी से बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो के नीचे आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा जहाँ आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं और अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता लग सके कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। फ्रेंड्स मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।